तो दोस्तों आप पहले चेन की कंडीशन देखते हैं। चेन में बहुत रस्ट लग चुका है, बहुत दिनों से जो बाइक है वो खड़ी थी, चला नहीं रहे थे, उसके बाद वॉश भी किया था, वॉश करने के बाद लूब नहीं किया था, तो ऐसा चेन हो गया पूरा, तो पूरा रस्ट लग गया है। तो अभी चलिए पहले क्लीन करते हैं, फिर उसके बाद लूब करेंगे। तो दोस्तों पहले करते हैं क्लीन एंड क्लीन। जो है कभी भी आपको बाइक स्टार्ट करके नहीं करना है, क्लीन और लूब आपको बाइक स्टार्ट कर मत करिए। व्हील को आप हैंड से रोटेट करिए एंड तभी आप जो है लूब कर सकते हैं इजीली। तो मैं और एकदम ही ना इसको स्प्रे को एकदम पास मत लेके जाइए, ठीक है? कम से कम जो है एक स्केल जितना, मतलब हाफ स्केल, मतलब 15 सेंटीमीटर का जो है या हाफ फिट का जो डिफरेंस करके अगर मारते हैं तो अच्छे से जो लूब है ना या क्लीनर है वो अच्छे से स्प्रेड होता है इस पर। तो पहले अच्छे से डिस्टेंस बना के करिए एंड थोड़ी देर फिर रुक जाइए, फिर उसके बाद हम उसको क्लीन करते हैं। दोस्तों अब बारी आती है लिथियम ग्रीस यूज करने की, तो चलिए अब इस पे यूज करते हैं। दोस्तों क्लीनिंग और लुब्रिकेशन दोनों ही हो चुका है एंड आप देखेंगे अभी ओवर लुब्रिकेशन नहीं है, ठीक है? ओवर लुब्रिकेशन नहीं किया हुआ है। जैसे ही एक बार लुब्रिकेशन करते हैं उसके बाद क्लीन कर दीजिए थोड़ा सा, ताकि ओवर लुब्रिकेशन जो ऊपर फैला हुआ है ना वो निकल जाए एंड हल्की सी कोटिंग ही रह जाए। वरना क्या होता है, अगर आप ओवर लुब्रिकेशन करेंगे तो पूरा जो रिम है ना आपका ख़राब होगा, टायर ख़राब होगा और इवन जो डिस्क ब्रेक है, रेयर डिस्क ब्रेक, तो उसमें भी जो है ऑयल जाएगा। तो ओवर लुब्रिकेशन मत करिए एंड कभी भी बाइक स्टार्ट करके लुब्रिकेशन नहीं करना है। अगेन बोल रहा हूँ, एक वार्निंग है, बहुत लोगों के फिंगर जो है कट होती है इसकी वजह से।